इधर झारखंड विधानसभा अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। आगामी 22 और 23 नवंबर को भव्य आयोजन होगी। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने हमारे सहयोगी सौरव राय से बातचीत करते हुए पूरे आयोजन की जानकारी दी है। वहीं मनिका से विधायक रामचंद्र सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर चुना गया है। विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और झारखंड विधानसभा अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है। आगामी 22 और 23 नवंबर को भव्य आयोजन भी की जाएगी। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में। देखिए, हर साल जब से झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है, उसी समय से झारखंड राज्य के अंदर में ये परिपाटी बनी हुई है। स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं 22 तारीख को और 23 तारीख को, और इस 22 तारीख और 23 तारीख को हमारे मंच में यानी विधानसभा के अंदर में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय भी आते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री आते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं और मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और हम लोग वहाँ कई सारा कार्यक्रम करते हैं। सबसे पहले वाला कार्यक्रम कि विधानसभा में साल भर में जो उत्कृष्टता के साथ अपना संसदीय कार्यकलाप का निर्वहन करते हैं, वैसे विधायकों को हम लोग चुनते हैं। और उसके लिए चुनने के क्रम में एक समिति होता है जिसमें मैं स्वयं होता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, एक वरिष्ठ विधायक होते हैं, आदरणीय स्टीफन मारंडी जी भी थे, कमलेश सिंह जी भी थे, और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम होते हैं, एक पत्रकार होते हैं आनंद मोहन जी उस कमेटी में, और हमारे विधानसभा का सभा सचिव जो हैं वह रहते हैं। और उनके बाद कई एक बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने के क्रम में ये बहुत जटिल काम होता है कि अगर एक बगीचा में प्रवेश करने के उपरांत आप एक बढ़िया फूल के चयन, सारे फूल बगीचा का ठीक है, सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन उसमें से भी एक अति सुंदर चुनने की अगर आपको कहा जाए तो ये निसंदेह रूप से एक जटिल काम होता है, लेकिन फिर भी ये काम करना पड़ता है। और इसी के क्रम में पूरे समिति जो इसको चुनने का काम करते हैं, समिति ने हमारे मनिका विधायक रामचंद्र सिंह जी को इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक के लिए उनका नाम प्रस्ताव भी किया और सहमत भी सारे लोग हो गए, और उन्हें इस साल उत्कृष्ट विधायक का जो है पारितोषिक महामहिम राज्यपाल के हाथों उनको मंच पर दिया जाएगा। एक प्रोग्राम यह है। दूसरा प्रोग्राम यह है कि हम लोग बॉर्डर में जो देश को रक्षा करने वाले हमारे सेनानी हैं, वीर सेना हैं, जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उन लोगों को भी हम लोग बुला करके पारितोषिक देने का काम करते हैं, सम्मानित करने का काम करते हैं उनके परिवार वाला को। और विभिन्न घटनाओं में, आतंकवादी उग्रवादी घटनाओं में भी जो हमारे शहीद होते हैं उनको भी हम लोग बुलाते हैं। उसके बाद जो छात्र अपने परीक्षा में अव्वल आते हैं उन्हें भी हम लोग बुलाते हैं। सामाजिक कार्य में जो लोग अच्छे काम देश हित में और राज हित में करते हैं, समाज हित में करते हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग बुलाते हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इस बार जो चंद्रयान में हमारे झारखंड के कई श्रेष्ठ वैज्ञानिक अपना योगदान दिए हैं, उन्हें भी हम लोग पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। ये काम होता है। और दूसरे दिन हम लोग एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करते हैं जिसमें देश का स्वनामधन्य कलाकार शिल्पी को बुलाने का काम करते हैं, और लोग आकर के अपना प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हैं, और यही काम करके हम लोग स्थापना दिवस को उद्यापन या सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। झारखंड के युवाओं का विशेष जुड़ाव है विधानसभा से। पिछले बार आप लोग ने युवा सदन कार्यक्रम का आयोजन किया था जो सभी युवाओं को काफी पसंद भी आई थी। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसको नहीं करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर समय होता है तो हर साल जैसे युवाओं का हम लोग
इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रुचि उत्पन्न के लिए जो प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, इस बार भी करने का निर्णय हम लोग अभी तक लिए नहीं है, लेकिन संभावना है कि लेंगे, देखते हैं कहाँ तक क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से रविंद्र ने पूरी जानकारी दी है कि 22 और 23 को कैसे झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाई जाएगी। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी संतु के साथ रांची।